नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। मैं हूं लक्षिका। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस बयान से जुड़े मानहानी केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी साबित किया है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं इस पर राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ और इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है, इसलिए हम इस प्रकार की दया की याचिका नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटका में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी, जिसके बाद उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। फिलहाल राहुल को कोर्ट से 1 महीने की बेल मिल चुकी है, पर अगर कोर्ट ने राहुल को 2 साल या उससे ज्यादा सजा दी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।